देवस्य धीमहि गर्भो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात् धियो यो नाम प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः ए है और हमें जो कंसेप्ट दिया, हमें जो प्रश्न दिया गया था, छात्रों को बात करते करने के लिए प्रोत्साहित करना। हमारे सबके पास छोटे छोटे बाल गोपाल हैं, तो उन्हें क्या है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हुए हम कैसे बातचीत का मौका दें कि वो अपने आप स्वयं बोले। तो देखिए, हम लोग कोई भी कंसेप्ट कराते हैं, कोई भी टॉपिक लेते हैं, जब हम अपना लेसन प्लान या माइंड में याद होता है कि सुबह जाके हमने ये बच्चों को कराना है, तो क्या होता है कि हम ब्लैक बोर्ड पे या कोई चित्र दिखा के, कोई पिक्स दिखा के, या हम नॉर्मली एक माहौल बनाते हैं मॉर्निंग का कक्षा में कि बच्चे जो है अपने आप कैसे अटेंटिव रहे, अपने आप अपने उस कक्षा कक्ष में हमारे साथ इंटरेक्शंस कैसे पैदा करें। तो वहां क्या है, बातों का माहौल पैदा करना है। तो उन बातों का माहौल हम कैसे पैदा करते हैं, सबसे पहले तो सभी को ही पता है, मेरे सभी साथी भी करते हैं कि हम कक्षा में जाते ही एक वेरी गुड स्माइल, जैसे कि हेलो हेलो स्टूडेंट, अरे अमित कैसे हो आप, अमित कहता मैम मैं बहुत अच्छा हूँ। तो हम उनको क्या करते हैं, भाषा की ओर ले जाते हैं, भाषा जो हम यहाँ सीखने आए हैं उनके अंदर का एक डर दूर करते हैं, राइट। कैसे, हम कहते हैं ठीक है, जिसको हिंदी में अच्छा लगता है वो हिंदी में बोलेगा, जिसे अंग्रेजी में अच्छा लगता है, कुछ बच्चे क्या है आजकल इस और भी आ रहे हैं, इस और भी अग्रसर हो रहे हैं, हम रूरल एरिया से हैं ज्यादातर यहाँ पे, और इनफैक्ट मैं कहूँगी सभी रूरल से ही हम आए हैं, तो बच्चों को ना गुड मॉर्निंग बोलना बहुत अच्छा लगता है, मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। तो सभी सुबह आते ही ना चरण मेरे जरूर छूते हैं, मैडम जी गुड मॉर्निंग। तो अभी दोनों बातें हमारी वो हो रही हैं, उनका मौखिक जो है वो एनहांस हो रहा है, बोलने की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है। तो क्या है, हिंदी भाषा के साथ साथ उनके अंदर एक शौक जागृत हो रहा है कि अंग्रेजी भाषा को भी हम सीखें। तो वही है, मैं वापस अपने टॉपिक पे आ रही हूँ कि हमने अपनी ग्रुप एक्टिविटी में किन पॉइंट्स को वो किया है कि हम उन्हें बोलने का मौका ज्यादा से ज्यादा कैसे दें। तो देखिए, चित्र दिखाकर हमारे पास बहुत सारे जो है TLM ग्रांट चीजें हैं, हमारे पास किट्स आई हुई हैं, मैथ किट्स हैं, हिंदी की किट्स हैं, इनफैक्ट अंग्रेजी की भी किट्स हैं, बहुत सुंदर सुंदर चार्ट्स हैं, पोएम चार्ट्स हैं, बुक्स हैं, स्टोरी बुक्स हैं। तो हम बच्चों को क्या करते हैं, कभी भी कोई भी चित्र हम जब एक माहौल बनाना होता है तो हम पहले ये नहीं कि सीधा ही टेक्स्ट बुक पे चले गए, नहीं, चलिए आज हम ये करते हैं। सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है, पक्षी चहचहा रहे होते हैं, हमारे सबके स्कूल बहुत सुंदर है, अच्छे अच्छे वृक्ष हैं, तो हम क्या करते हैं, रूम का माहौल बनाने के लिए छोटे बच्चे जो हैं वो कविताओं से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो कोई भी हमारे पास अब तो इतने अच्छे अच्छे एक्टिविटी जो है सामान आया, तो चित्र दिखाकर मेरा था कंसेप्ट, राइट, सॉरी सर, क्योंकि सभी के लिए एग्जैक्टली सर। सेकेंड पॉइंट है कल्पना शक्ति, बच्चा स्कूल से जो है चला है, सुबह उठा है, अपनी दैनिकचर्या से संबंधित कोई भी कंसेप्ट जो जब हम कराते हैं तो क्या होता है कि हम उससे संबंधित उस बच्चे को बोलने का मौका देते हैं, बेटा आज सुबह उठे, सुबह आपने क्या किया, स्कूल से आप घर से स्कूल तक आए तो किन किन चीजों को आपने रास्ते में देखा। तो वो क्या है, अपनी इमेजिनरी से, अपनी कल्पना शक्ति से वो बातों को बताता है कि मैं वो कंसेप्ट करा रही हूँ उससे संबंधित है, तो वो कुछ पॉइंट्स वहां भी वो जरूर बच्चे बताते हैं, और अपनी जो दैनिकचर्या से जो उनके आसपास चीजें देखी होती हैं, घर में उन्होंने महसूस किया होता है, खाया होता है ना, उसे वो बताते हैं। उसके बाद है गलत बताने पे, कभी भी कोई भी बच्चा, हर कक्षा में बहुत से बच्चे होते हैं, थोड़े भी हैं ज्यादा भी हैं, गलत बताते हुए हमें उन्हें टोकना नहीं है,
जो मर्जी बच्चा फ्रीडम है उसे आजादी है बोलने की, तो आपने फिर भी कहना है वेरी गुड बेटा, क्लैपिंग करें सभी इस बच्चे की, वेरी गुड वेरी नाइस, तो उसको कोई भी कॉम्प्लेंट नहीं दी, आपने शाबाशी जरूर देनी है। लास्ट में कहूंगी बच्चा तुक बंदी राइमिंग के लिए, तो मैम आप बताएं राइमिंग के लिए। राइमिंग के लिए तो ये है कि अगर हम बच्चे के साथ खुद भी अगर कुछ भी हम वर्ड बोल रहे हैं तो बंदी का बच्चे को ज्यादा समझ में आता है, वो अपने विचार खुद भी रखने लग जाता है। अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें बच्चों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उससे लगता है कि नहीं ये टीचर है ना हमारी बात सुनेंगे अगर हम उनके साथ बैठेंगे जाके। और ये है कि बच्चों की बात हमें जरूर सुननी है, हमें कुछ नहीं उनको टोकना नहीं है, उनको डांटना नहीं है ज्यादा, तो और हमें ज्यादा और उनके हर प्रयास की हमें तारीफ करनी है कि नहीं तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया। जी बेटी डीपीएस द्वारा से हमारा जो टॉपिक है कि संघर्षरत शिक्षार्थियों का समर्थन करना, तो जो हमारा जो प्रचलन है हमारे स्कूलों में, हम लोग चाहे कोई सी भी परिस्थिति लगा लो आप उसको, हम लोग जो संघर्षरत बच्चे हैं उनके ऊपर मुख्यतः हम ध्यान नहीं देते हैं। मैंने बोला कि परिस्थिति चाहे कोई भी हो सकती है, सिंगल टीचर हो सकता है या कोई उसको बाहरी काम ज्यादा हो सकता है या उसके ऊपर को वर्कलोड ज्यादा हो सकता है, तो जो भी परिस्थिति हो अगर हम संघर्ष जो शिक्षार्थी हैं या विद्यार्थी छात्र जो भी है हम उनका समर्थन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम उसकी परिस्थितियों को जानेंगे कि उसकी सामाजिक परिस्थिति क्या है गाँव में, जैसे क्या होता है कि पिछड़ी जाति हो गई या अनुसूचित जाति हो गई, समाज में उनको कैसे देखा जाता है। दूसरा हम देखेंगे पॉइंट उनकी परिवार आर्थिक स्थिति को, कि उसका जो माँ बाप हैं वो दोनों मान लिया दिहाड़ी पर चले जाते हैं या मजदूरी के लिए चले जाते हैं या किसी भी काम पर चले जाते हैं। जैसे अभी कोरोना में क्या हुआ कि जो ऑनलाइन पढ़ाई हुई तो किसी के पास मोबाइल नहीं था या किसी के पास एक था तो उसका पिताजी ले जाते थे, और बच्चा परिवार में रहते हुए उसको मोबाइल नहीं मिला या उसके पास जो भी टेक्निकल चीज़ें थी गैजेट्स थे उसको प्राप्त नहीं हुए, वो पढ़ाई में पिछड़ गया, जो आगे वाले थे जिनके पास था वो आगे नहीं गया, तो उस स्थिति को भी हम देखेंगे। तीसरा क्या है, जब हम मॉर्निंग असेंबली करवाते हैं सुबह है, तो उस बच्चे को हम बोलने का मौका दें प्रार्थना में, ताकि उसकी जो हिचकिचाहट है उसको पता चले कि हाँ मेरी भी वैल्यू है, कोई मैं भी आगे आ सकता हूँ, मैं भी आगे आके कुछ काम कर सकता हूँ या करके दिखा सकता हूँ। चौथा क्या, हम उसकी शारीरिक स्थिति को भी देखेंगे कि जैसे अभी ये जो मिड डे मील वाला हमारा चलाया हुआ है प्रोग्राम, ये भी जो न्यूट्रिशन वाला था, जो पालन पोषण था, जो पोषक तत्व तो उसको घर में नहीं मिल पा रहे थे वो सरकार ने उसको उपलब्ध करवाए, तो उससे भी क्योंकि जैसा तन वैसा मन होगा जी सर, अगर तन की तरफ से वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ नहीं होगा, तो उसकी भी स्थिति को देखेंगे, उसमें भी हम उसका समर्थन करने की कोशिश करेंगे। तो पांचवा है उसकी मातृभाषा को हम प्राथमिकता दें जी, वो कैसे बोल रहा है, अगर मान लिया कोई हिचकिचा के बोलता है, कोई ये तोतला बोलता है तो हम उसका मजाक ना उड़ाएं, चाहे बच्चे हों चाहे अध्यापक हो, तो अध्यापक को भी उसको देखना चाहिए या हम उसको देखें कि कैसे वो आगे पढ़ाई में अच्छा कर सकता है। क्योंकि देखो जी हमने तराशना तो हमने होता है, टीचर ने तराशना होता है, अभी एक पत्थर पड़ा है हमारे लिए, वो पत्थर है एक आम आदमी के लिए, वो उसको ठोकर मार के चला जाएगा, पर एक जो कारीगर होगा उसको उठाएगा उसमें से मूर्ति भी निकाल सकता है। तो बच्चे को हीरे की पहचान हमने करनी है, प्रतिभा हर एक बच्चे में होती है, निकालना टीचर ने होता है, कारीगर ने निकालनी होती है। और कमजोर बच्चों को अगर अध्यापक चाहे, अगर उसके पास समय है तो उसको अधिक समय दे सकता है, छुट्टी के बाद उसको पास बुला सकता है या उसको एक्स्ट्रा टाइम दे सकता है, या शाम को जब उसका पिताजी घर आ जाते हैं तो उसको मोबाइल पे अगर वो उसकी लाइव क्लास ले सकता है तो भी वो भी उसको दे सकता है। तो अगर बच्चे को हमने उस जो संघर्षरत बच्चा अगर उसको सबसे आगे ले आ रहा है तो हम उसको एक जिम्मेवारी भी दे सकते हैं, जैसे क्लास का मॉनिटर बना दिया या मिड डे मील का इंचार्ज या उसके हेल्प करने के लिए हमारे को, या अभी आज तो आगे टंकी में पानी दे के आएगा भी कितना पानी भरा है, या सोप रखने की जिम्मेवारी, मतलब कुछ भी उसको काम में जिम्मेवारी दे सकते हैं और बच्चा वो आगे आने की कोशिश करेगा। थैंक यू, बहुत। मैं कमल जीपीएफ मटेरी जट्टा से, मेरा टॉपिक है निरंतर मूल्यांकन और सीखने के अंतराल की पहचान। हम बच्चों को सिर्फ एजुकेशन लेवल पे
उनका मूल्यांकन ना करें, उनकी थ्रू आउट एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करें। सिर्फ लिखना या पढ़ना यही मूल्यांकन, उसी का मूल्यांकन किया जाए, ये मेरे हिसाब से उचित नहीं है। बच्चे की थ्रू आउट एक्टिविटीज, बच्चे को प्रैक्टिकल आने दो सामने, उससे बच्चा अपने आप को एक्सपोज करेगा, ही विल बिकम एक्सट्रावर्ट, वो खुल के सामने आएगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में बिल्कुल डम होते हैं, वो इसलिए नहीं बोल पाते कि उन्हें मौका ही नहीं दिया गया। घर पे भी, स्कूल में भी, कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कोई देखने में सुंदर नहीं है, या हैंडीकैप है, या कोई भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, फिजिकली प्रॉब्लम है, बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई क्वालिटी होती है और उसे मौका नहीं मिलता कि वो एक बार स्टेज पे आए, मंच पे आए, वो अपने आप को एक्सपोज कर सके। और जब वो सामने आता है अगली बार तो वो हमें बढ़िया रिजल्ट देता है। तो हमें बच्चे को मोटिवेट करना है। अब एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मैं बखनौर में था, वहाँ पे एक बच्चा, एक मदर मेरे पास अपने बच्चे को लेके आई। सर जी, उस वक्त शायद थोड़ा ट्रेंड था डंडा चलाने का, वो बच्चा इतना डरा हुआ था, उसकी मदर कहने लगी कि सर जी ये बच्चा बोलता ही नहीं है, घर में भी नहीं बोलता, आप इसका कुछ करो। हमने तो इसको दवाइयाँ भी देके हट गए, मतलब ये बोलता ही नहीं है, गूंगा है मतलब एक तरह से। उस बच्चे को मैंने कहा तो छोड़, हमने पढ़ना नहीं है, किताबों को साइड पर रख, हम बातें करेंगे। आप यकीन मानोगे कि जब एक टाइम ऐसा आ गया कि वो बच्चा, मैं दो दिन में वहां से आ गया, तो मतलब इस मेरे साथ माहौल में रह के उसने बोलना सीख लिया। तो जब मैं दो तीन साल बाद वहां पे गया, वो बच्चा क्लास में खड़ा होके, जो जैद सर हमारे मास्टर जी हैं, वो कहते हैं ये तो खड़ा होके गाने गाता है, बड़ा अच्छा गाना गाता है। तो यानी कि उसके अंदर की जो क्वालिटी थी वो सामने आ गई। और हम लोग अगर टीचर ये सोच रहे हैं ना कि ये बच्चा मेरी वजह से बना है कुछ, ऐसा नहीं है, बच्चे की खुद के एफर्ट्स होते हैं। अगर बच्चा हाथ पैर खिलाएगा ही नहीं तो आप जोर लगा लो, आप उसको स्वामी दयानंद नहीं बना सकते। हमें उसको अंदर से मोटिवेट करना है, उसको प्रोत्साहित करना है, उसको शाबाशी दो, किसी भी शेप में उसको प्राइज दो, डर डर नाम की चीज निकाल दो। बच्चा क्लास में एंटर कर रहा है, रोता क्यों है? पहली बार जब फर्स्ट क्लास में बच्चा है, रो रहा है, मेरे पास आए बच्चे, मैंने कभी नहीं बातों में, तो मैंने उसको क्या किया, मोबाइल के ऊपर थोड़ी सी कार्टून में दिखा दी मेरे बच्चे। उसको बच्चे को ये लगा कि मेरे को फैमिलियर माहौल मिल रहा है, और आज वो बच्चा थर्ड में है, बड़ी अच्छी लैंग्वेज है उसकी, अच्छा बोलता भी है। तो आई थिंक वी शुड गिव फैमिलियर एटमोसफियर, नाइदर वी शुड बिकम डिक्टेटर ऑफ द क्लास। एक डर नहीं देना, प्यार, बच्चा माँ की गोद से निकल के आ रहा है आपके पास, आपने कुछ वैसा ही रोल प्ले करना है ताकि बच्चा घर बैठने की। अब मैं कोरोना के दौरान बच्चे बोर हो गए थे, कहते सर जी प्लीज आप स्कूल में मिलाओ, घर में तो माँ बाप में टेंशन देते हैं, आप अपने यहाँ बैठ के पढ़ाओ, हमने ट्यूशन नहीं जाना, आप अपने पास पढ़ाओ। तो यानी कि हमने उनको 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 विजुअलाइज करना है कि बच्चे की क्वालिटी को कहाँ एक्सपोज किया जा सकता है और कहाँ उसके गुणों को हम बाहर निकाल के लिए जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, जेलू माजरा से और हमारा ग्रुप फोर, हमारा टॉपिक था अनुभवात्मक नाटक आधारित शिक्षा शास्त्र के माध्यम से पढ़ाए। तो सबसे पहले जो आकलन का बेस है वो इसी टॉपिक के, अगर हम चले लर्निंग बाय डूइंग, अनुभवात्मक, कि जो बच्चा करके सीखता है वो उसको रटाने की जगह ज़्यादा दिन तक उसको याद रखता है और उसको हमेशा के लिए याद रखता है। सेकंड इसमें आगे अपन नाटक आधारित जो रोल प्ले हम अभी हमने किया भी है, एक्टिविटी की है, अगर हम वो करते हैं बच्चे के साथ तो ज़्यादा जल्दी सीखता है। इसमें मैं एक छोटा सा आपसे एक एक्टिविटी बोल लीजिए, कुछ भी करा लीजिए, आप में से न्यूज़पेपर कौन कौन पढ़ता है? आज पढ़ा था सर आपने? कल पढ़ा होगा जी? कल पढ़ा था। तो कल सेकंड पेपर, सेकंड पेज की थर्ड न्यूज क्या थी? इतना देख के नहीं जाते।
ठीक है। अब आप ये बताइए, आप मुझे शोले मूवी किस किसने देखी? देखी है लास्ट टाइम, आप ही बता दीजिए लास्ट टाइम आपने कब देखी? कई साल हो गए। गब्बर का एक फेमस डायलॉग है, क्या है? गब्बर है उसमें जो विलेन है, उसका डायलॉग क्या है? लेकिन आपने कई साल पहले मूवी देखी थी, वो आपको आज भी याद है, ये विजुअल इफेक्ट है आपके माइंड। तो हम यही इसमें बात करेंगे अनुभवात्मक, विजुअलाइज करेंगे अगर उसी को, तो बच्चा ज्यादा टाइम करेगा। हमें किट किस लिए मिली हुई है? हम बच्चे को वैसे भी जमा घटा सिखा सकते थे, लेकिन हमें संपर्क ने किट दी है, हमारी डीसीसी आई है जो हमें एनसीईआरटी से मिली हुई है, ये हमें इसलिए मिली हुई है कि हम बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा जो सीखे वो करके सीखे, मेन जो इसी के अंदर पढ़ाना है। अब अगर मैं छोटे से अपनी एक और बात करूं, मैं बच्चों को राष्ट्रपति भवन जब लेके गया, तो बच्चों को उससे पहले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर वो पता होता है कि ज्यादातर वो बस के अंदर बैठे होते हैं, लेकिन जब वो रोड के ऊपर निकले, उन्होंने वहां पे मेट्रो भी देखी है, उन्होंने वहां लाल किला भी देखा, उन्होंने राष्ट्रपति भवन देखी, उन्होंने राष्ट्रपति भवन देखा, आज उनके माइंड में वो उनके मानसिक पटल के वो अंकित है कि राष्ट्रपति भवन कहां है? दिल्ली में सर। संसद भवन कहां है? दिल्ली में सर। मेट्रो में कहां बैठे? दिल्ली में बैठे सर। वो लाइफ टाइम उनको याद हो गया वो चीज, ठीक है। उसके साथ साथ फिर अगर हम इसमें बात करें, जो बेस है हमारा एफएलएन का, वो सब आज हम इसलिए यहाँ पे बैठे, और हमारी किट भी इसलिए मंगाई गई है कि बच्चे को हम अनुभव से सिखाएं, ना कि उसको हमसे रटाएं, जो हमारे टाइम में था कि रटने वाली प्रवृत्ति, लेकिन हम अगर बच्चे को करके ज़्यादा सिखाएंगे तो बच्चा बहुत अच्छे से पॉलिश होकर बाहर निकले। जैसे सर ने बोला है, हमारे नरेंद्र सर ने भी यही बात की है कि बच्चे को पॉलिश करनी है, सर ने भी यही बात रिपीट की थी कि हमने बच्चे को पॉलिश करना है, निकल वो अपने आप जाएगा। एक बार उसको सिर्फ एक मोटिवेशन की, उसको डायरेक्शन की जरूरत है। बच्चों के पास, हमारे पास, हमारे बच्चों के पास बहुत कुछ है, शायद प्राइवेट स्कूल के बच्चों से ज्यादा बच्चों, हमारे बच्चों को नॉलेज होती है प्रैक्टिकल। अब प्राइवेट स्कूल में जाएंगे सब बच्चों को चश्मा लगा मिलेगा, हमारे स्कूल में कितने बच्चों को चश्मा है प्राइमरी? ना के बराबर, बहुत बहुत कम आंकड़ा होगा अगर हमने देखें। तो यही है कि हमारे बच्चे भी सब कुछ कर सकते हैं, हम उनको सिर्फ निखारने की जरूरत है, और निखारेंगे अगर, अगर हम ये काम करेंगे तो बच्चा बहुत जल्दी से अच्छे से निखर गया हमारे सामने। बहुत बढ़िया। मैं सुखदेव सिंह, जीपीएस रवाड़ो। हमारा जो विषय था वो कक्षा में प्रिंट समृद्ध, मतलब जो क्लासरूम होता है, हाउ टू बिल्ड अप ए गुड कलरफुल एनवायरनमेंट इन आवर क्लासरूम। तो देखिए, सब हम जानते हैं कि जैसे एक जो बच्चा होता है उसका माइंड बड़ा क्रिएटिव होता है, जो आप और हम हैं या हमारे जो एडल्ट थे उनकी बजाय एक बच्चा ज़्यादा, कहने का मतलब, चंचल होता है और वो चीज़ों को बहुत जल्दी और बहुत ही अलग तरीके से देखता है। एक क्लासरूम में, या यूं कहें कि जो बच्चा है, जो हमारे पास आ रहा है, एक बच्चा स्कूल में आ रहा है, तो न कि क्लासरूम बल्कि स्कूल के गेट से उस बच्चे के दिमाग में एक ऐसी दुनिया होनी चाहिए जिसमें ज्ञान भी हो और साथ साथ उसके लिए इंटरेस्ट भी हो। सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलता, ज्ञान बहुत है, लेकिन ज्ञान को उस बच्चे के दिमाग में डालना कैसे, दिस इज द मेथड कि हम उस ज्ञान को कलरफुल करें, उस चीज को उस वे में कन्वर्ट करें कि वो उसको आसानी से एक्सेप्ट कर सके। बहुत सी दुनिया में जैसे देखते हैं कि बच्चे मोबाइल को कितने अच्छे से, मतलब पूरे दिन लगाए रखो, वो खाना नहीं, मतलब पीना, कुछ सब कुछ भूल जाते हैं। जो जो बच्चे बड़े, इवन में कई बार तो हमारे साथ ही जो बड़े लोग हैं उनको भी देखते हैं कि इतना ज़्यादा, मतलब फोन के अंदर घुसे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी रुचि का क्षेत्र है। लेकिन हमारा विषय क्या है कि हम बच्चों को वो ज्ञान कैसे दे सकते हैं। तो अब विषय पे आते हैं कि एक क्लासरूम के अंदर हम किस प्रकार से अपने एनवायरमेंट को कलरफुल कर सकते हैं, हाउ वी कैन बिल्ड। तो सबसे पहले कि जो हमें चीज़ ध्यान रखनी है कि वो उस बच्चे की उम्र क्या है, व्हाट इज द एज, कि वो कौन सी चीज़ें ग्रहण कर सकता है, कौन सी चीज़ें नहीं ग्रहण कर सकता, कौन सी चीज़ों की तरफ वो आकर्षित होता है। जैसे कि यहाँ पे सामने मैं देख रहा हूँ कि बोर्ड लगाया हुआ है, वो एक छोटे बच्चा, हमारा प्राइमरी का बच्चा है, उस चीज़ को नहीं समझ पाया क्योंकि वो कैरियर की चीज़ें दे रखी है, आज से 20 साल बाद की चीज़ें दे रखी है, वो नहीं समझेगा। एक बच्चा क्या समझेगा? वो कार्टून समझेगा। अगर वो टीवी देख रहा है छोटा भूल में, उसको समझ पाएगा, बड़ा अच्छे से समझ पाएगा। उसने कौवा उठता हुआ देखा है, कोयल की कहानी है, तो गढ़ा देख सकता है, गढ़े को समझ सकता है, यानी कि उसका एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो चीज़ें हैं वो उसको बड़े आसानी से देख सकता है।
सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि छात्रों की आयु और कक्षा के अनुसार जो है हमें प्रिंट सामग्री का निर्माण करना चाहिए। जो भी चीज़ हम क्रिएट कर रहे हैं वो जो बच्चा हमारे पास आएगा उसके दिमाग में इजीली दिमाग में आ जानी चाहिए उसकी, यानी कि नॉन टू अननोन की तरफ थोड़ा सा हम ले जा सकते हैं। जो बच्चा पहले से जानता है उससे थोड़ा सा आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो बच्चे की उम्र का ध्यान रखते हुए उसकी एज ग्रुप के ही हमें जो कार्टून्स बनाने हैं, जो हमें वर्ड्स बनाने हैं या जो दूसरी चीज़ें बनानी हैं, इवन जो वर्ड्स बनाने हैं, सात शब्दों का चयन भी इसके अंदर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कौन सी शब्द हमें मतलब सेलेक्ट करनी है, कौन सी शब्द हमें नेक्स्ट स्टेज के लिए रखनी है, वो बड़ा देखा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है कि क्वेश्चनेबल होनी चाहिए हमारी जो प्रिंट सामग्री है, जो हम चार्ट क्रिएट कर रहे हैं। सिर्फ चार्ट नहीं है, हमको मॉडल्स भी बना सकते हैं। दूसरी और चीज़ प्रिंट का मतलब होता है दृश्य देखने, तो जो चीज़ें हैं वो देखने के लायक क्वेश्चनेबल होना चाहिए कि एक प्रिंट हम बना रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, एक बच्चा उससे क्या बोल सकता है। जस्ट लाइक दिस, ये सेलुलर के ऊपर क्रॉस किया हुआ है, इसका मतलब कि वी कांट यूज सेलुलर है, हम यूज नहीं कर सकते, हम सब समझते हैं। ऐसी ही चीज़ें ऐसी ही भाषा में एक बच्चा जो आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें पूछा क्या गया है, कौन कौन से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि रुचिकर और ज्ञानवर्धक, जो कि मैं बता चुका हूँ कि बच्चे की इंटरेस्ट के लिए होनी चाहिए और वो चीज़ बच्चे को मतलब बड़ी खुशी दे और उसके अंदर उसको पता ही न चले और वो सीख जाए। मैथ के अंदर कौन से चार्ट ऐसे होते हैं, बच्चा एक जैसे कि हमारे वो क्लास के अंदर सांप सीढ़ी का बनाया हुआ है, बच्चे अक्षर ज्ञान भी करते हैं, गणित की गिनती भी सीखते हैं और खेल खेल में खेलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कि एरियाज, कौन कौन से एरिया हमें, एक बच्चे का मुंह इधर होता है, क्लासरूम के ऊपर ड्राइंग जो अपना ब्लैक बोर्ड है या व्हाइट बोर्ड है उसके अलावा दाएं और बाएं, यहाँ पे बड़ी मतलब सारा दिन उसकी निगाह होती है, तो कौन सी चीज़ें यहाँ पे हम चयन करके लगाएंगे वो भी बड़ा मायने रखता है। किन किन चीज़ों को हम कैसे सुयोजित करेंगे, कैसे बच्चे की नज़र सामने जा रही है, उसका आकार क्या होना चाहिए, बच्चा देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा कि आकर्षक चित्रात्मकता होनी चाहिए। हम बच्चों को खुद कह सकते हैं कि बेटा इस तरह का बनाया हुआ है, तुम कोशिश करो एक ऐसा चार्ट बनाओ, तुम्हारा यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे हम, वो बच्चा बड़ी मेहनत करेगा, बड़े अच्छे तरीके से वो उसको बनाएगा, और बना के अगर हम बच्चे को कभी कभी उसके ऊपर डिस्प्ले कर देते हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा कि इस बार शायद मेरा नंबर आए, मेरा चार्ट यहाँ पे लगेगा, मेरी ड्राइंग यहाँ पे लगेगी, मेरा नाम यहाँ पे लगेगा। हाँ जी, नेक्स्ट है कि सरल और स्पष्ट होना चाहिए, कि बहुत ज़्यादा कई बार हम कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, बच्चे के दिमाग के ऊपर से ऊपर ही निकल जाती है, ऐसा ना हो। जो हम थीम दे रहे हैं, थीम दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट, जो हम उस बच्चे को समझाना चाह रहे हैं वो उस पिक के अंदर, वो उस चार्ट के अंदर, वो उस डिस्प्ले के अंदर होना चाहिए। शाब्दिक के साथ साथ मौखिक भी होना चाहिए, कुछ चित्र जो होते हैं ना, कहते हैं ना दीवारें बोलती है, तो ऐसे अभी हमें कुछ चीज़ें क्रिएट करनी चाहिए जिससे कि शब्द न लिखे हों फिर भी वो बच्चा उस चित्र को देख के बता सके। स्थानीय भाषा का प्रयोग होना चाहिए और कहानी के रूप में वाक्यों को लिखना ताकि उससे उत्साहपूर्वक पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सके, यानी कि धीरे धीरे वो अपनी फ्लो के अंदर आ जाए, उन चित्रों से बाहर निकल कर भाषा ज्ञान की तरह पर आ जाए। और इसके साथ साथ एक जरूरी चीज़, बच्चे का दिमाग बड़ा चंचल होता है, जो पहले लाइन थी इसी तरह एक चीज को हम पूरे साल नहीं रख सकते यहाँ पे, चीजें क्या है मूवेबल होनी चाहिए। ड्राइंग हमारी क्या है कि वीक वाइज, डे वाइज, मंथ वाइज चेंजेबल होनी चाहिए। बहुत बढ़िया सर। तरीके अपने हिसाब से।
बोलेंगे भी साथ में और ऐसे और घूमते चलेंगे ना। चलेगी थैले में पट्टी, चलेगी थैले में पट्टी। पट्टी क्या होती है भाई, इसको पता? तख्ती जिसको बोलते हैं। चलेगी थैले में पट्टी, बजेगी साला की घंटी, बजेगी साला की घंटी। के अब तो सीखने आए सारी दुनिया के बच्चे, के अब तो सीखने आए सारी दुनिया के बच्चे। चलेगी थैले में पट्टी, चलेगी थैले में पट्टी, बजेगी शाला की घंटी, बजेगी शाला की घंटी। के अब तो सीखने आए सारी दुनिया के बच्चे, के अब तो सीखने आए सारी दुनिया के बच्चे।